छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को काबू कर लिया है। इस आरोपी ने यह ठगी इंश्योरेंस अधिकारी बनकर मैच्योरिटी मनी दिलाने के नाम पर की थी। आपको बता दें कि ठगी होने के बाद पीड़ित ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित शंकर राव कटारे द्वारा बताया गया था कि सन 2013 में उसने SBI लाइफ इंश्योरेंस करवाया था। माह जुलाई अगस्त 2020 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विभिन्न मोबाइल नंबरों से उसके मोबाइल नंबर पर फोन आया। इस दौरान उससे इंश्योरेंस पॉलिसी पुराना होने एवं अधिक मूल्यवान बनाने की बात कही गई। आरोपी आलोक शर्मा एवं आशीष शर्मा ने अपने विभिन्न खातों में लगभग 10 लाख रुपए धोखाधड़ी से डलवाकर ठगी की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान साइबर सेल दुर्ग की मदद से आरोपियों के दिल्ली में होने की जानकारी मिली है, जिसके चलते पुलिस दिल्ली पहुंची, जहां पुलिस टीम को पता चला कि आरोपियों के द्वारा ठगी से प्राप्त राशियों को अलग अलग बैंकों के खाते में ट्रांसफर किया गया। पुलिस टीम के प्रयास से विभिन्न बैंकों में जाकर पता करने पर आरोपी के बारे में और उसका फोटो मिला। आरोपी के विभिन्न मोबाइल नंबरों के आधार पर दिल्ली में स्थित टीम को दुर्ग साइबर सेल के द्वारा लगातार सूचनाएं भेजी गईं। वहीं दिल्ली में आरोपियों के खाते का अवलोकन करने से पता चला कि ठगी की गई राशि को 6 खाता नंबरों पर ट्रांसफर किया गया। फिर दिल्ली के विभिन्न ATM से नकदी ली गई है। दिल्ली में आरोपियों द्वारा ठगी में उपयोग किए गए विभिन्न खातों को होल्ड कर लगभग 4.5 लाख रुपए डेबिट फीस लगाया गया। टीम द्वारा फोटो के आधार पर आरोपी आशीष शर्मा को मयूर विहार फेस से काबू कर लिया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना मूल नाम विराज गुप्ता निवासी न्यू अशोक नगर पूर्व दिल्ली का होना बताया, तथा साथ ही बताया कि वह अपने साथी दीपक मेहता के साथ मिलकर इंश्योरेंस अधिकारी बनकर ठगी करते हैं। उनसे फर्जी ढंग से अपना आशीष शर्मा के नाम पर अकाउंट तथा दीपक मेहता के ने आलोक शर्मा के नाम पर अकाउंट खोला है, जिसका उपयोग इनके द्वारा ठगी करने के लिए किया जाता है। आरोपी विराज गुप्ता उर्फ आशीष शर्मा के पास से विभिन्न कंपनी के 72 नग मोबाइल एवं चार्जर, विभिन्न कंपनी के 70 नग सिम, डेबिट व क्रेडिट कार्ड 4 नग व ठगी संबंधी अन्य सामान बरामद किए गए। अगस्त माह में रिपोर्ट लिखी गई थी कि एक प्रार्थी के पास ये फोन आया था कि उसकी SBI इंश्योरेंस की पॉलिसी काफ़ी पुरानी हो गई है और उसमें उसको लाभ भी नहीं मिल पा रहा है और उसको जो बोनस था उस पर उनको फोन रेट पर इन लोगों ने उसको अपडेट कराने के लिए डिटेल अपना दिया था, जो डिटेल इनको मांगा गया था। उस डिटेल के आधार पर नोएडा में बैठा हुआ आरोपी ने इनकी पूरी पॉलिसी का पैसा निकाल लिया था। इसका इन्होंने पद्मनाथपुर में रिपोर्ट लिखाया था, जिसमें एक स्पेशल टीम गठित की गई थी साइबर से लेकर, जिन्होंने मेहनत करने के बाद नोएडा से आरोपी को उठा के लाया गया है और उसके पास से जो इसके डिटेल्स उन्होंने किस तरह से किए थे, उसके अलावा उसके जो मोबाइलों का उपयोग उसने किया था और जो खातों का उपयोग किया था, सब मिलाए 17,000 रुपये उसके हाथ में मिले और खाते में 4.5 लाख रुपए जिसको अभी सीज कराया गया। सर, कैसे घटना को अंजाम देता था? ये घटना को एक्चुअली ये पॉलिसी की डिटेल निकालने के बाद उस नंबर पर इनके पास बकायदा रजिस्टर इन्हीं के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ये डिटेल मैं उनसे फ़ोन करके बता देते कि आपकी फलाना फलाना पॉलिसी है, इसमें इतना मिल आपके मिलने का है, क्योंकि ये पहले उस इंश्योरेंस कंपनी में काम भी कर चुका है, इसलिए उस कंपनी की बारीकी इसको मालूम है कि किस में की मैच्योरिटी क्या होगी और उसको क्या उसके बताता था कि इसमें आपको इतना लाभ हो सकता है, जबकि आप इस पॉलिसी अभी कंपनी ने बदल दी है, इस पर आपको इतना परसेंट और बेनिफिट हो सकता है, आपको बोनस मिलेगा, इस तरह से लोभित करके उसको उनके पूरे डिटेल देना। क्या कोई पूछताछ हुई है अभी कि ये पहला शख्स था कि इसके पहले और इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया, कितनी घटनाओं का अंजाम? अभी हम इस पर और पूछताछ कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि इसके लिए राजस्थान, झारखंड और मुंबई पुलिस भी लगी हुई थी और अब हम उनसे भी ट्रेस करके चूँकि इसको पकड़ाया है और इसमें और कोई लोग इसके साथ जुड़े हुए उसके संबंध में और कई घटनाओं के संबंध में हम बाकी जगह भी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.